असली गेम तो सैमसंग यहाँ खेल जाता है A55 के साथ, क्योंकि S23 और S23 FE में इस बात का कोई जवाब ही नहीं है। तो मार्केट में अब सेल का टाइम आने वाला है और ऑलमोस्ट सभी फोन्स पे काफी भारी भरकम डिस्काउंट लगने वाले हैं। स्पेशली सैमसंग के फोन्स पर काफी तगड़े डिस्काउंट्स आने वाले। सैमसंग ने गैलेक्सी S23 FE जब लॉन्च करा था वो फोन 60,000 के आसपास लॉन्च हुआ था, और अभी मई में जब वो सेल चल रही थी तो रफली 33,000 रुपए यानी 33,000 का आप उसको खरीद सकते थे। बात अगर करूं मैं सैमसंग गैलेक्सी A55 की, इस फोन पर भी काफी अच्छे डिस्काउंट चल रहे थे अभी रिसेंटली। ये फोन भी आप खरीद सकते हैं अंडर 35,000 के आसपास आराम से। लाइकवाइज सैमसंग गैलेक्सी S23 जो कि पिछले साल का सैमसंग का फ्लैगशिप फोन था, उस फोन पर काफी अच्छे ऑफर चल रहे थे भाई। तो जाहिर सी बात है कि कंफ्यूजन तो होनी ही है, स्पेशली क्योंकि आने वाले टाइम में ये फोन्स और भी ज्यादा तगड़े डिस्काउंट पर मिलने वाले हैं आप सभी को। तो आज के वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा कि क्या आपको सैमसंग गैलेक्सी S23 FE लेना चाहिए या फिर गैलेक्सी A55, या फिर थोड़े पैसे और बढ़ाकर एक कॉम्पैक्ट फोन जिसके अंदर आपको प्रोसेसर भी ज्यादा तगड़ा मिल जाता है वो खरीदना चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो मेरा नाम है अंकुर और मैं आप सबके लिए ऐसे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। बाकी आप लोग अगर चाहते हो मुझे सपोर्ट करना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो उसे लाइक जरूर कर देना। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और बात करते हैं सीधा इन तीनों ही फोन्स के परफॉर्मेंस के बारे में। सैमसंग गैलेक्सी A55 और सैमसंग गैलेक्सी S23 FE में आपको एक एक्सिनोस का चिपसेट देखने को मिल जाता है, वहीं सैमसंग गैलेक्सी S23 में आपको स्नैपड्रैगन का चिपसेट देखने को मिल जाएगा। A55 के अंदर आपको एक्सिनोस 1480 का प्रोसेसर देखने मिल जाएगा और गेमिंग का मजा थोड़ा ज्यादा आपको S23 FE के ऊपर देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तो उसमें एक्सिनोस 2200 का प्रोसेसर है जो कि 1480 के मुकाबले में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा सारे गेमिंग वगैरह टास्क हैंडल करने के। रॉ परफॉर्मेंस की अगर बात करूं तो S23 FE में On2 स्कोर लगभग 10 लाख के आसपास आ जाता है, जो कि ऑलमोस्ट सभी हेवी टास्क के लिए सफिशिएंट रहने वाला है, और इसमें GPU भी आपको थोड़ा सुपीरियर देखने को मिलेगा गैलेक्सी A55 के मुकाबले। अब बात अगर सैमसंग गैलेक्सी S23 की करी जाए तो यहां पर आपको तीनों ही फोन्स में सबसे बढ़िया प्रोसेसर देखने को मिलेगा, स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर यहां मिलता है। रॉ परफॉर्मेंस रफली 13 से 14 लाख का On2 स्कोर आपको निकाल के दे देगी यहां पर। तो परफॉर्मेंस वाइज ये चिपसेट सबसे ज्यादा पावरफुल है इन तीनों ही फोन्स के अंदर। बाकी अब मैं थ्रॉटलिंग की अगर बात करूं तो ये तीनों ही फोन अच्छा खासा थ्रॉटल करते हैं, लेकिन डेली टास्क में तीनों ही फोन आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस दे देंगे। अब इतने सारे ज्ञान के बाद अगर मैं बोलूं कि भाई अगर आपका यूजेज डेली टास्क में बहुत ही मिनिमल है, या तो ब्राउजिंग करनी है, अमेजोन पे कुछ ऑर्डर करना है, यूट्यूब देखना है, व्हाट्सएप करना है, तो तीनों ही फोन आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको बेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस चाहिए और हैवी टास्क वगैरह परफॉर्म करते हो तो S23 से रिश्ता जोड़ लो। जोड़ तो S23 FE के साथ भी सकते हो, लेकिन अगर उसका थोड़ा वेट कर सकते हो सकता है बिग बिलियन डे के आसपास सैमसंग इसका एक्सिनोस वाला वेरिएंट के साथ साथ इसका स्नैपड्रैगन वाला वेरिएंट भी लॉन्च कर दे इंडिया में, तो वो वाला फोन ज्यादा बेटर रहेगा फिर आपके लिए कंसीडर करने के लिए। हाँ, अब ऐसा मत सोचना कि गैलेक्सी A55 एकदम बेकार ही ऑप्शन है, ये तो सिर्फ परफॉर्मेंस की बात हुई है यार। आगे ऐसी काफी चीजें मैं बताने वाला हूं जिसमें A55 एक सुपीरियर चॉइस निकल के आ जाता है गैलेक्सी S23 और गैलेक्सी S23 FE के अंदर, और सच मायने में वो काफी लोगों की बड़ी रिक्वायरमेंट भी होती है कभी कभी। नेक्स्ट बात करते हैं इन तीनों ही फोन्स के डिस्प्ले की। अब डिस्प्ले तीनों ही फोन्स में एक अच्छी क्वालिटी देखने मिल जाती है, फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, लेकिन बारीक बारीक फर्क है तीनों ही डिस्प्लेस में। सैमसंग गैलेक्सी A55 में आपको एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, और S23 FE और S23 में आपको डायनामिक एमोलेड 2x का डिस्प्ले देखने मिल जाता है। जनरली स्पीकिंग डायनामिक एमोलेड 2x के डिस्प्ले थोड़े बेटर होते हैं सुपर एमोलेड डिस्प्ले के मुकाबले, तो यहां पे आपको A55 में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज और करना पड़ेगा। इसके अलावा जो मेन डिफरेंस है वो पीक ब्राइटनेस को लेके है। सैमसंग गैलेक्सी S23 में आपको जहां 1750 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है, वहीं गैलेक्सी A55 में आपको 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलेगी, और S23 FE बीच में कहीं आता है 1450 निट्स के आसपास। तो अगर आपकी डेली यूजेज में कंटेंट व्यूइंग बहुत ज्यादा है तो S23 FE और S23 थोड़े ज्यादा बेटर डिस्प्लेज आपको ऑफर करेंगे गैलेक्सी A55 के मुकाबले। नेक्स्ट बात करते हैं इन तीनों फोन्स के डिजाइन के बारे में, और डिजाइन को लेके आई गेस मेरे हिसाब से ये तीनों ही फोन्स एक अलग ऑडियंस को केटर करते हैं। अब S23 को ही देख लो, वो एक कॉम्पैक्ट फोन पसंद करने वाले यूजर्स को टारगेट करके बनाया गया फोन है। S23 FE और गैलेक्सी A55 ऑन द अदर हैंड डाइमेंशंस वाइज एक नॉन कॉम्पैक्ट फोन पसंद आने वाले यूजर्स को दिमाग में रख के बनाया गया है, क्योंकि उनकी स्क्रीन की साइज S23 से थोड़ी ज्यादा बड़ी है, 6.6 इंचेस की आपको स्क्रीन देखने मिलती है यहाँ पर। वेट और इन हैंड फील सबसे ज्यादा प्रीमियम यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी S23 की रहती है, क्योंकि वेट उसका अंडर 200 ग्राम से 180 ग्राम से भी नीचे आता है S23 का वेट। और फिर सैमसंग गैलेक्सी S23
FE और A55 थोड़े से ज्यादा हेवियर साइड पे आते हैं, लगभग 200-210 ग्राम के आसपास इनका वेट रहता है। आईपी रेटिंग की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर S23 और S23 FE में आपको IP68 रेटिंग देखने मिल जाती है, वहीं गैलेक्सी A55 में आपको IP67 की रेटिंग देखने को मिलती है, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउनग्रेड है S23 और S23 FE के मुकाबले। लेकिन भाई बाकी ब्रांड्स तो ये भी नहीं देते हैं ना, पता नहीं क्यों। नेक्स्ट बात करते हैं कैमरा के बारे में, और कोरोना के बाद से लगभग ऑलमोस्ट सभी लोग बहुत ज्यादा ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिए, और उस ट्रैवल के दौरान अपनी मेमोरीज कैप्चर करने के लिए अपने फोन के कैमरास को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप भाई पैसे खर्च रहे हो तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि भाई मेरे फोन में कैमरा तो अच्छा हो। एक बेसिक चीज तो आपको ये बता दूं कि सैमसंग के फोन में जो कैमरास होते हैं वो जनरली स्पीकिंग थोड़े बेटर रहते हैं बाकी ब्रांड्स के मुकाबले, क्योंकि कलर ट्यूनिंग और बाकी जो मोड्स वगैरह होते हैं वो आपको अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन डिटेल में अगर बात करूं तो सैमसंग गैलेक्सी S23 FE में आपको एक ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है, जिसमें एक कैमरा आपको टेलीफोटो लेंस देखने को मिलता है, बाकी एक मेन सेंसर तो है और एक अल्ट्रावाइड सेंसर है, और ये फोन काफी अच्छी फोटोज ले लेता है, स्पेशली नाइट टाइम में फोटोज को लेके काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आप महसूस करोगे। अगर आपने पहले S21 FE वगैरह के मेरे रिव्यूज देखे हैं तो उसके मुकाबले काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट है S23 FE के कैमराज में। बात अगर S23 की करूं तो यहां पर आपको थोड़े बहुत ही अपग्रेड्स देखने को मिलेंगे, बस एक जो टेलीफोटो लेंस है उसकी रेजोल्यूशन थोड़ी सी ज्यादा है, बाकी सारे स्पेक सेम है अल्ट्रा वाइड और प्राइमरी सेंसर को लेके, तो एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी पेस्ट ही लग रहा है यहाँ पर। मतलब अपग्रेड के नाम पर 8 मेगापिक्सल वाले टेलीफोटो लेंस को 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो का लेंस बना दिया, बाकी और कुछ चेंज नहीं है। सैमसंग गैलेक्सी A55 में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप जो मिलता है उसमें मेन काम के तो दो ही लेंस है, प्राइमरी और अल्ट्रा वाइड, तीसरा मैक्रो लेंस नाम के लिए डला हुआ है, पता नहीं आज की डेट में कौन ही यूज करता है, कमेंट करके बताओ अगर आपके डेली यूजेज में मैक्रो लेंस आता है या नहीं, और अगर आता है तो किस यूजेज में आप यूज करते हो मैक्रो लेंस को। वीडियो कैपेबिलिटीज की अगर बात करूं तो S23 FE और S23 आपको एक स्ट्रॉन्गर रेजोल्यूशन में वीडियो क्वालिटी का आउटपुट दे सकते हैं, 8K 24 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हो आप S23 और S23 FE के साथ। गैलेक्सी A55 में आप 4K 30 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हो। फ्रंट कैमरा की अगर बात करूं तो आप तीनों ही फोन्स में 4K 30 FPS में रिकॉर्ड कर सकते हो, जो कि सच में कमेंडेबल चीज है, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पर बाकी ब्रांड में 4K 30 FPS फ्रंट कैमरा में आपको देखने को नहीं मिलता। तो ओवरऑल अगर कैमरा कैपेबिलिटीज के मामले में बात करी जाए, सबसे बढ़िया फोन निकल के आता है सैमसंग गैलेक्सी S23, फिर S23 FE बहुत हल्के मार्जिन से पीछे है, अगर मान के चलो कि ना के बराबर सा ही फर्क है दोनों ही फोन के कैमरास में। फाइनली गैलेक्सी A55 निकल के आता है तीसरे नंबर पे कैमरा के डिपार्टमेंट में। अगर अभी तक वीडियो में आपको लग रहा था कि A55 काफी पीछे रह रहा है इन दोनों ही फोन के मुकाबले, तो अब अगला सेक्शन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि अब हम बात करेंगे बैटरी के बारे में, और यहां पर सैमसंग ने पासा एकदम ही पलट दिया है। गैलेक्सी A55 में आपको 5000mAh की बैटरी देखने मिलती है, 5000mAh की बैटरी के साथ आप अपने फेवरेट ब्रांड सैमसंग के फोन को आराम से 1 से 1.5 दिन तक चला सकते हो। वहीं बात अगर S23 और S23 FE की करूं तो ये दोनों फोन जो है वो सिंगल डे यूजेज वाले फोन है, इवन दो S23 FE में बैटरी जो है वो 4500mAh की है, लेकिन बैटरी ड्रेन उसमें बहुत ज्यादा होता है, ये मैंने अपने पिछले रिव्यू में भी बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो जाके चेकआउट कर लेना कि एक दिन में मेरे को S23 FE से कितना बैटरी लाइफ और कितना स्क्रीन ऑन टाइम निकल के आ पा रहा था। सार उस वीडियो का यही है कि अगर आप एक ज्यादा हेवी यूजर हो तो एक दिन में आपको 2 बारी ये फोन चार्ज करने पड़ सकते हैं, S23 FE और S23 A55 आप एक दिन से ज्यादा चला सकते हो। चार्जिंग के डिपार्टमेंट में तो तीनों ही फोन एकदम बेकार है, 25 वाट की चार्जिंग 2024 में, स्पेशली A55 लॉन्च हुआ है 2024 में, बाकी दोनों फोन से चलो 2023 में लॉन्च हुए थे तब 25 वाट की चार्जिंग फिर एक्सेप्टेबल थी, लेकिन 2024 में 25 वाट की चार्जिंग नॉट एक्सेप्टेबल यार। बाकी प्रीमियम फीचर्स की अगर बात करूं जैसे वायरलेस चार्जिंग और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग, वो आपको S23 और S23 FE में देखने मिलेंगे, A55 में नहीं मिलेंगे। आप में से काफी लोगों का रिक्वायरमेंट होता है कि भाई मेरे को डेटा स्टोरेज बहुत ज्यादा चाहिए, और उसके लिए जनरली काफी लोग SD कार्ड यूज करते हैं अपने फोन के अंदर ताकि वो मेमोरी अपने फोन की बढ़ा सके। यहां पर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा सैमसंग गैलेक्सी A55, क्योंकि एक लौता फोन है इन तीनों ही फोन्स से जिसमें आपको एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है, S23 और S23 FE में आपको एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन नहीं मिलेगा दोस्तों। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है एक एक्स्ट्रा SD कार्ड की तो A55 ही पकड़ना, बाकी S23 और S23 FE आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन नहीं रहेगा फिर। मतलब असली गेम तो सैमसंग यहां खेल जाता है A55 के साथ, क्योंकि इसका तो कोई जवाब ही नहीं है S23 और S23 FE के पास। सॉफ्टवेयर अपडेट्स की अगर हम बात करूं तो यहां पर भी तीनों ही फोन लगभग बराबर से ही आपको परफॉर्मेंस दे देंगे। S23 FE में आपको अगले 3 साल का एंड्रॉइड अपडेट्स और 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट्स, और A55 में आपको अगले 4 साल तक के एंड्रॉइड अपडेट्स और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे, जिसका मतलब यह है कि A55 में आपको 1 साल ज्यादा अपडेट्स देखने को मिलेगा S23 और S23 FE के मुकाबले। अब देखो कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को, और मेरे हिसाब से अगर आपको बस एक वैल्यू वाला फोन चाहिए सैमसंग ब्रांड का, जिसमें आपको अपडेट जो है वो ज्यादा से ज्यादा मिले, और आपकी एक मेन रिक्वायरमेंट है कि भाई मेरे को एक्सपेंडेबल मेमोरी कार्ड का स्लॉट चाहिए, तो सैमसंग गैलेक्सी A55 आपके लिए एक रिकमेंडेड चॉइस रहेगा। लेकिन अगर आप थोड़े बहुत
बहुत भी हैवी टास्क करते हो तो S23 FE आपके लिए एक बेटर चॉइस रहेगा, लेकिन बैटरी वाला पंगा ध्यान रहे आप सभी को। और अगर एकदम फ्लैगशिप एक्सपीरियंस चाहिए अंडर 40,000 सैमसंग का, तो मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में सैमसंग गैलेक्सी S23 सबसे बढ़िया डील रहने वाला है इस साल की 2024 में। मैंने अपने चैनल पर ये फोन काफी ज्यादा डिटेल में कवर करे हैं, आप चाहो तो वीडियो में यहाँ पे लिंक कर दूंगा, आप जाके चेकआउट कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आपके सब्सक्रिप्शन से यार मेरे को थोड़ा मोटिवेशन लेवल बढ़ता है और मैं वीडियोस में उतनी ही ज्यादा एनर्जी डाल पाता हूँ। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।